हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी टू कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो यहां पे आपको स्क्रीन पे ये फोर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल रहा है और आज के वीडियो हम इसी के ऊपर बात करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि इन चारों कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में आपने पहले नहीं सुना होगा, पहले आपने जरूर देखा होगा और बहुत सारे लोग इसको रेगुलर बेसिस पे यूज भी करते होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, क्या आप इन चारों कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज करते हुए प्रॉफिट बना पा रहे हैं, तो आप में से लगभग 95% लोग बोलेंगे कि सर हम इससे प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं। मतलब इन चारों कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में आपके पास थोड़ा बहुत नॉलेज जरूर है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर प्रॉफिट नहीं बना पा रहे, मतलब कहीं ना कहीं हम अभी भी गलती कर रहे हैं। हम क्या गलती कर रहे हैं उसको हम हाईलाइट करेंगे इस वीडियो में और हम आगे कोशिश करेंगे कि इन चारों कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पे हम प्रॉफिट बना पाए। तो चलिए इन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में थोड़ा और डिटेल से देखते हैं। यहाँ पे आपको ये चारों कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहे होंगे नेम के साथ। इसके बाद हम चार्ट पे भी आएंगे और वहां पे भी हम इसके बारे में डिटेल से देखेंगे प्रैक्टिकल। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये चारों कैंडलस्टिक पैटर्न आपको क्या बताते हैं। ये बताते हैं कि ये निगेटिव डाउन ट्रेंड में इनका फॉर्मेशन होता है, यानी निगेटिव मार्केट में इनका फॉर्मेशन होता है। और ये हमें बताते हैं कि यहाँ से मार्केट आपका अपसाइड की तरफ जा सकता है। ये इतना सिंपल सा इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग प्रॉफिट नहीं बना पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि कहाँ पे इसका यूज करना है, और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कि उनको ये भी इन्फॉर्मेशन नहीं होता है कि कहाँ पे इसको अवॉइड करना, यानी इस पे हम हमेशा ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। कई बार ये हमें धोखा भी देते हैं और ज़बरदस्त धोखा देते हैं, जिससे हमारे जितने भी पैसे रहते हैं डीमैट अकाउंट में वो सारा का सारा एक ही बार में साफ कर देगा। तो हमें पता होना चाहिए कब हमें इस पे ट्रस्ट करना है और कब हमें इस पे ट्रस्ट नहीं करना, यानी कब हमें इसका इस्तेमाल करना और कब हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना, वो हमें आना चाहिए। मतलब क्या है कि हमें इसके प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस करना है, यानी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर अगर हम बात करें तो कब हमें इसका इस्तेमाल करना और कब नहीं करना, यही चीज हमें सीखने की जरूरत है। चलिए इन चारों कैंडलस्टिक पैटर्न को चार्ट पे चल के इसके हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन को समझते हैं। यहाँ पे हम चार्ट पे आ गए और ये जो चार्ट है आपका टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का डेली टाइम फ्रेम वाला चार्ट है। यहाँ पे हम टाइम फ्रेम पे फोकस नहीं करें, क्योंकि इसका आप इंप्लीमेंटेशन किसी भी टाइम फ्रेम में कर सकते हैं। हर एक टाइम फ्रेम में इसका नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स सेम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसके बारे में हमने बात किया था, और ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है, फोर्थ वाला। नाम पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई भी एग्जाम क्लियर करने की जरूरत नहीं है, हमें प्रॉफिट बनाना, और प्रॉफिट बनाने के लिए नाम से ज्यादा हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पे फोकस करना। और मैं अपने वीडियो में बताते रहता हूँ कि आपको नाम पे फोकस नहीं करना, आप कैरेक्टरिस्टिक्स सीख लो, कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लो, वहीं से आपको प्रॉफिट बनता हुआ दिख जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा, ये हमें बनता हुआ दिखा, इसके बाद मार्केट ऊपर गया, तो यहाँ पे अगर आप बाई करोगे तो ये हमें क्या देगा, ये हमें जबरदस्त प्रॉफिट बना के देता हुआ दिखेगा। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे भी अगर आप देखें तो सेम कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होता हुआ दिखा है। अब इसके बाद यहाँ पे भी अगर हम बाई साइड की तरफ जाते हैं, प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया फिर नीचे आ गया, यानी यहाँ पे हमारा SL हिट हो जाएगा, यानी जितना प्रॉफिट यहाँ पे देगा सेम अमाउंट ऑफ लॉस आपको यहाँ पे करके देगा। अल्टीमेटली आप खाली हाथ घर वापस जाओगे, खाली हाथ आपका दिन क्लोजिंग होगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें प्रॉफिट मिलने के बावजूद भी नुकसान हो जा रहा है? और ये चीज़ बहुत सारे लोगों को होता है कि प्रॉफिट मिलने के बावजूद भी वो अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो उनको और ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है। तो अब देखिए, क्योंकि हमें पता है कि इस टाइम पर हमें इसके साथ ट्रेड लेना है और इस टाइम पर हमें ट्रेड नहीं लेना। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न होना चाहिए। सबसे पहला, अब ये कैंडलस्टिक पैटर्न हमें बता क्या रहा है, ये कैंडलस्टिक पैटर्न हमें बता रहा है कि प्राइस नीचे आ रहा है। डैट मीन्स टू जो सेलर्स हैं वो काफ़ी हद तक हमें क्या दिख रहे हैं, स्ट्रांग दिख रहे हैं। और मार्केट में आपको बता देना चाहूँगा फॉर योर इन्फॉर्मेशन, दो ही लोग होते हैं, सेलर्स और बायर्स। तो जो भी लोग स्ट्रांग होते हैं हम उनके साथ जाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि अगर आपको नहीं पिटना है तो आप स्ट्रांग के साथ जाओ, अगर आपको मार्केट में पिटना है तो फिर आप कमजोर के साथ जा सकते हो। तो जैसे ही आप कमजोर का साथ दोगे आप वहां पे पिटोगे। तो ऐसे ही हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि स्ट्रांग कौन है, सेलर्स या फिर बायर्स। हमने क्या देखा कि यहाँ पे सेलर्स स्ट्रांग हैं, लेकिन ये सेलर्स कब तक स्ट्रांग होंगे पता नहीं है, तो हमें रिवर्सल को प्ले करना है। तो हमने क्या देखा, ये कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ,
तो ये दो कैंडलस्टिक पैटर्न मिलकर बनता है। पहला कैंडलस्टिक क्या किया, प्राइस को यहां से स्टार्ट किया, यानी सेलर्स ने यहां पे प्राइस को पकड़ा और यहां पे लाके पटक दिया। चलिए ठीक है, उसके बाद प्राइस और नीचे से ओपन हुआ, यानी बायर्स ने प्राइस को यहां से उठाया और वो उठा के ले जाके काफी ऊपर तक क्लोजिंग दिया। अगर रेड कैंडल के हाफ के ऊपर भी क्लोजिंग देगा ये भी आपका पियर्सिंग पैटर्न माना जाएगा, यानी एनी हाउ इस रेड कैंडल के हाफ के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए। तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि बायर्स यहां से स्टार्ट किया और सेलर्स के घर में घुस के जाके अपना अड्डा बना लिया। अगर कोई किसी के घर में घुस के जाके वहां पे अपना ठिकाना बना लेता, मतलब उसके पास हिम्मत है, उसके पास मजबूती है, वो काफी हद तक मजबूत है, दबंग है, तो ये वापस से यहाँ पे बायर्स ने अपना दबंग ही दिखा दिया कि यहाँ पे अब हम स्ट्रांग हो गए हैं। अब इसके साथ क्या चाहिए, वापस से बायर्स का सपोर्ट चाहिए। बायर्स का सपोर्ट को हमें कैसे पता चलेगा, जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, हम क्या मान के चलेंगे कि बायर्स का सपोर्ट इसके साथ है, यानी लोगों का सपोर्ट भी इसके साथ है, तो यहाँ पे हम बाय साइड की तरफ ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करके यहाँ से प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन ये सारा जो फाइटिंग चल रहा, पावर का ट्रांसफर हो रहा कहाँ से, फ्रॉम सेलर्स टू बायर्स, ये सारा काम कहाँ पे होना चाहिए, ये सारा काम कहीं पे भी होगा तो काम नहीं चलेगा, ये सारा काम होना चाहिए सपोर्ट के पास। मतलब सपोर्ट के पास किसका इलाका है, बायर्स का इलाका माना जाता है इन जनरल अगर हम बात करें तो, यानी ये सारा काम कहाँ पे होना चाहिए, बायर्स के घर के करीब होना चाहिए, बायर्स के घर के पास होना चाहिए, तभी हमें इसके बेसिस पे बायसर की तरफ ट्रेड लेना। मतलब पावर का जो ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम सेलर्स टू बायर्स, ये कहाँ पे होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका सपोर्ट के करीब, यानी ये सारा कैंडलस्टिक पैटर्न का जो प्लेसमेंट है वो भी जरूरी है इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ साथ। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में क्या देखना है कि सेलर्स से पावर का ट्रांसफर होना चाहिए बायर्स में, और यहाँ पे बायर्स में फॉलो अप बाइंग भी आना चाहिए, वही आता हुआ देखा है। यहाँ पे हम बायसर की तरफ जाके इससे प्रॉफिट बना सकते हैं, टारगेट प्राइस आप प्रीवियस हाई को रख सकते हैं, तो इस तरीके से आप टारगेट के लिए जा सकते हैं। अब देखिए, अब दूसरी बार सेम पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है कहाँ पे, 800 के लेवल करीब हुआ है। अब 800 का लेवल इससे पहले भी क्या काम कर रहा था, रेसिस्टेंस के रूप में काम कर रहा था। अब ये सारा काम कहाँ हो रहा, रेसिस्टेंस किसका घर होता है, रेसिस्टेंस जनरली हम सेलर्स के घर को बोलते हैं, यानी यहाँ पे सेलर्स का घर माना जाता है, सेलर्स यहाँ पे जनरली स्ट्रांग होते हैं। तो अब हम ये सारा काम कर रहे हैं सेलर्स के इलाके में। अब सेलर्स के इलाके में अगर कोई बायर्स जाके अपना स्ट्रेंथ दिखा देता है तो उसको बायर्स की तरफ से सपोर्ट मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वैसे ही ये सारा काम तो हो गया, इसने उसके घर में घुस गया और दबंगई दिखा के घर में कैप्चर कर लिया, लेकिन उसको लोगों की तरफ से सपोर्ट चाहिए, बायर्स की तरफ से सपोर्ट चाहिए, जो कि यहाँ पे मिलता हुआ हमें नहीं दिखा है। और अगर मिल भी जाता है तो ये आपका सेलर्स का इलाका है, यहाँ पे हम इस पे भरोसा नहीं करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाइंग करना अवॉइड करेंगे। और यहाँ पे अगर आप बाई करोगे तो देख सकते हो इस रेसिस्टेंस के ऊपर निकलने के बाद, मतलब इसके घर को तहस नहस करने के बाद अगर ऊपर निकलता है तभी हम बाई करेंगे, अदरवाइज हम बाई नहीं करेंगे। यानी यहाँ पे बाइंग बनता है इस लेवल के ऊपर, तो ऐसा आता हुआ नहीं दिखा, इसके ऊपर आया तो बायर्स यहाँ पे कमजोर होते हुए दिख गए और प्राइस आपका नीचे साइड की तरफ आया, तो यहाँ पे हमें ट्रेडिंग पोजीशंस अवॉइड करना। तो ऐसे ही आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में फोकस करना है कि कहाँ पे हमें इसको यूज करना और कहाँ पे हमें इसको अवॉइड करना, तो ऐसे ही आपको प्रॉफिट बनाना इन सारे कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज करते हुए। तो यहाँ पे आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि ऐसे ही आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, यानी जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक अगर आपको चाहिए, तो उसके लिए हमने एक स्पेशल सा कोर्स डिजाइन किया, उस कोर्स को आप इनरोल कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमारा मोबाइल ऐप इक्विटेड कम्युनिटी को डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, नहीं तो हमारे मोबाइल ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और वहाँ पे आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक इस तरीके से बताया गया कि आप एज ए इंडिपेंडेंट ट्रेडर काम कर सकते हो। और हमारा मेनली फोकस वही है प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के ऊपर, जहाँ पे आप लॉसेस को अवॉइड करते हुए प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो। उसके अलावा वहाँ पे आपको फ्यूचर ऑप्शंस के बारे में भी बताया गया और आपको पूरा स्टॉक मार्केट का बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का भी बताया गया। तो एक बार आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करके जरूर विजिट कीजिए, पसंद आता है तो आप इनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि इस तरह के जो फ्री वीडियो होते हैं यूट्यूब पे, वो भी हम रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होता है। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि एक भी वीडियो आपको मिस ना हो और आप तक सही इन्फॉर्मेशन सही टाइम पे पहुंच पाए, ताकि आप लॉसेस को आगे अवॉइड कर सको। और कोई भी क्वेश्चन या फिर प्रॉब्लम आता है या कन्फ्यूजन होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम यहाँ पे अब हम दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जो है वो है आपका एक्सिस बैंक का, इसके भी हम डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ये कौन सा कैंडल का फॉर्मेशन किया है, जो भी कैंडल है नाम पे हमें नहीं जाना, क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग से पिछले कई वीडियो में बताया
कि कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न कैंडल के नाम पे हम फोकस नहीं कर रहे, नेचर बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी कोई कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हो और लॉन्ग टेल एट द बॉटम दिखे, इससे हमें एक ही कंक्लूजन पे आना है कि यहाँ पे जो बायर्स हैं वो काफी हद तक हमें स्ट्रांग दिख रहे हैं और जो सेलर्स हैं वो यहाँ पे हमें कमजोर दिख रहे हैं। मतलब ये एक कैंडलस्टिक हमें बता रहा है कि यहाँ पे सिस्टमैटिक पावर का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम सेलर्स टू बायर्स। अब ये चीज कहाँ पे होना चाहिए? ये चीज होना चाहिए सपोर्ट के करीब, तभी यहाँ पे हम बायसर की तरफ ट्रेड लेंगे। अगर ये काम सपोर्ट के करीब नहीं होगा तो हम सिस्टमैटिक पावर का ट्रांसफर होते हुए देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम ट्रेडिंग अवॉइड करेंगे। ट्रेडिंग हम वहीं पे लेंगे जहां पे हमें कॉन्फिडेंस हो। जैसे हमें कॉन्फिडेंस की कमी आता है तो हम ट्रेडिंग नहीं लेंगे, हमें कॉन्फिडेंस आना चाहिए तभी हमें ट्रेड लेना है। तो यहाँ पे देखते हैं कोई सपोर्ट लेवल है या नहीं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 650 का सपोर्ट लेवल है, इससे पहले भी देख सकते हैं एक बार दो बार और इसके आसपास कई बार मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले चुका। मतलब ये सारा काम सपोर्ट लेवल करीब हो रहा, मतलब बायर्स के घर के करीब होता हुआ दिख रहा, मतलब यहाँ पे बायर्स में स्ट्रेंथ है। और आगे बायर्स में स्ट्रेंथ देखने के लिए इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। जैसे ही दिया हम यहाँ पे बायसर की तरफ एंट्री लेंगे, ये लोएस्ट पॉइंट हमारे लिए स्टॉप लॉस के रूप में काम करता हुआ दिखेगा। प्रीवियस स्विंग है हमारा फर्स्ट टारगेट प्राइस, फिर अगला ये जो लेवल है ये हमारा सेकंड टारगेट प्राइस, जिसको हिट किया या ना किया अब ट्रेलिंग एसएल के जरिए यहाँ पे प्रॉफिट को आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं। उसके बाद अगला एग्जाम्पल के ऊपर बात करते हैं जो कि आपका है सिप्ला डेली टाइम फ्रेम। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा, आपका बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। इसके अगर आपको नाम को नहीं पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए नाम लिख दिया। अब यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है कि यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या काम किया, यहाँ पे सेलर्स ने प्राइस को यहाँ से उठाया और यहाँ पे ला के पटक दिया। यानी हमने जो देखा था पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, जहाँ पे जो बुलिश कैंडल था यहीं पे था, अब उससे ऊपर वाला फॉर्म है, मतलब जो पियर्सिंग पैटर्न है उससे भी ज़्यादा बुलिश इंडिकेशन हमें बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न में देखने को मिलता है। अब ये क्या काम किया, ये प्राइस को इसके नीचे से उठाया, अब ये पूरे कैंडल को ओवरटेक करते हुए जहां से ये प्राइस को उठाया उससे ऊपर जाके क्लोजिंग दे दिया। मतलब ये सेलर्स के स्ट्रेंथ को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। यानी यहाँ पे दिखा दिया कि सेलर्स चाहे जितने भी स्ट्रांग हो, उससे ज़्यादा स्ट्रांग यहाँ पे बायर्स आ गए। यानी सेलर्स यहाँ पे जितना भी मजबूत हो उससे ज़्यादा मजबूती हमें बायर्स में देखने को मिल रहा। बस उसके बाद हमें क्या चाहिए, फॉलो अप बाइंग चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एक और काम हो रहा है, समझने की जरूरत है, आपके पास एक सटीक एग्जांपल मिलता हुआ देखा। अब बायर्स में स्ट्रेंथ कहाँ पे आएगा, जब प्राइस आपका इसके ऊपर क्लोजिंग देगा इसके हाई के करीब, तभी हमें बायर्स में स्ट्रेंथ आएगा। उसके बाद देखिए प्राइस तो ऊपर चला गया लेकिन यहाँ पे बायर्स में स्ट्रेंथ नहीं आया, तो यहाँ पे हम बाई करने की जल्दबाजी नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग देखते हैं कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो गया, यहीं पे बाई कर लो। यहाँ पे अगर आप बाई करोगे तो आपको प्रॉफिट मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। यहाँ पे बाई करने से आपके ट्रेड का एक्यूरेसी लेवल इंप्रूव नहीं होगा। जब तक प्राइस जो क्लोजिंग दिया उसके ऊपर या फिर हाई के ऊपर नहीं क्लोजिंग देता है, तब तक हमें बायसर की तरफ ट्रेड नहीं लेना है। अब यहाँ पे देखिए आपके पेशेंस का चेक कर रहा है। आप यहाँ पे अगर आप एंट्री कर दोगे तो कई बार क्या होगा कि आप एसएल रखोगे, प्राइस आपका नीचे आएगा, आपके एसएल को हिट करवा देगा, फिर प्राइस आपका ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे कई बार आपके लिए ट्रैप बिछाया जाता है, यहाँ पे बॉटम फिशिंग किया जाता है, आपका एसएल हंटिंग किया जाता है, तो ये सारा काम बहुत सारा किया जाता है, इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है। यहाँ पे देखिए ये रेड कैंडल का फॉर्मेशन किया, प्राइस इसके हाई के ऊपर निकला लेकिन क्लोजिंग नहीं दिया। जैसे हमें इसके हाई के ऊपर दिखे स्ट्रेंथ दिखे, यानी इसके आसपास यहाँ पे हम आसानी से एंट्री ले सकते हैं, तो ये आपके लिए परफेक्ट एंट्री पॉइंट बनेगा। फिर ये आपका पहला टारगेट प्राइस और ये आपका दूसरा टारगेट प्राइस, दोनों को आसानी से हिट कर दिया और इस तरीके से हम इस अपसाइड मूव से प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ऐसे ही आपको सिस्टमैटिक तरीके से एंट्री लेना, आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करना है। जब हमें बायर्स की तरफ से इंडिकेशन मिले कि वो स्ट्रॉन्ग हो गया तभी हमें उसके साथ देना, अदरवाइज उसका साथ हमें नहीं देना है। सो उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो में हम इसके बेयरिश वाले पार्ट के ऊपर बात करेंगे, यानी आपके हम टॉप 4 या 5 बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर बात करेंगे कि कब हमें उसका इस्तेमाल नहीं करना है, कब हमें उसका इस्तेमाल करना है, यानी उसके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पे हम फोकस करेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।